शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से, ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुशवाहा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे साथ 25 लाख के लॉटरी के नाम पे 40,000 का फ्रॉडिंग हो गया। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, एक दिन व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया उसको मैंने देखा, मैंने पढ़ा तो KBC लिखा हुआ था और 25 लाख का लॉटरी लिखा हुआ था, लॉटरी नंबर भी था। मैंने उसके पढ़ा, उसमें मैसेज भी दिया था और वॉइस रिकॉर्ड भी दिया था। मैंने सुना, सुनने के बाद पैसा उसमें बताया कि आपके नाम से इतना का लॉटरी लगा, 25 लाख का। पैसा का लालच किसको नहीं है। मैंने यही चीज़ सोचकर उसके यहाँ कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने बोला कि आपके पास मैसेज और वॉइस रिकॉर्ड भेजा गया, उसको पढ़े। तो मैंने बोला कि हाँ, उससे पढ़े। और उसके पास पढ़ने के बाद वो बोला कि ठीक है, लेकिन उसको यही है। शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से, ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, यही था आपका भी। और इसको पढ़ने के बाद उसके यहाँ फिर मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि आप पढ़ लिए हैं। तो मैंने बोला कि जी हाँ, मैंने टोटल पढ़ लिया और वॉइस जो मिले थे उसको भी मैंने सुन भी लिया अच्छी तरीके से। तो उसमें क्या क्या बोला गया वो सब सेंड कीजिए। उसके बाद उसने जैसे फिर मैंने इसके यहाँ सेंड किया तो उसने मैंने कॉल किया तो उसने बोला कि आपके नाम आपका लॉटरी लग गया है, आपके नाम से आपका लॉटरी नंबर कितना है। तो मैंने उसको अपना लॉटरी नंबर बताया, 1133। ये जो 1133 है यही बताया। तो उसने बोला कि बधाई हो, आपके नाम से 25,000 का लॉटरी लगा हुआ है। मैंने बोला कि ठीक। उसने पूछा कि क्या आप इस लॉटरी को लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं लेना चाहते, ये फ्री का मिल रहा था, क्यों नहीं लेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक भेज दीजिए। ठीक है, मैंने उसके यहाँ बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक और पैन कार्ड भी सेंड किया। सेंड करने के बाद उसने देखा और देखने के बाद बोला कि ठीक है सर, 25 लाख रकम बहुत ज़्यादा मोटा रकम है। बोले इसको आपको 2 टर्म में भेजा जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप इसे 2 टर्म में भेजिए। मैंने ही बोला कोई बात नहीं है, 2 टर्म भेजिए, 5 टर्म भेजिए, बट मेरे नाम से जो लॉटरी लगा वो पैसा सेंड कर दीजिए। उसने बोला ठीक है, आपका पैसा आपका लॉटरी हम क्यों रखेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा पैसा आप भेज दीजिए। उसने बोला ठीक है, हम सेंड कर देंगे। उसके बाद उसने फिर मेरे यहाँ फ़ोन किया, उसने ही कॉल किया उस टाइम में, बोला सर आपका प्रोसेस कुछ लग गया है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मैंने बोला रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का। तो आपके नाम से जो लॉकी डोर लगा है इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके फॉर्म भरा जाता है, फिलअप किया जाता है कि हाँ, मैंने इस इंसान को इतना रुपया इसके ना इस कंपनी के थ्रू और इस KBC के थ्रू मैंने इस इंसान को 25,000 लॉटरी दिया, 25,000 रुपया दिया। ये सब चीज़ बोलकर मुझे वो रजिस्ट्रेशन करवाया और एक फॉर्म भी मेरे पास भेजा था कि उस पर आप डिजिटल सिग्नेचर करके भेजिए। मैंने सिग्नेचर फॉर्म ओपन नहीं किया। मैंने बोला कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, पैसा भेजना तो भेजिए वरना मत भेजिए। उसने ठीक है मैं सर, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं सर, आप इसे नहीं भी फिलअप कीजिए तो हम यहाँ से प्रोसेस कर देंगे। मैंने वो उसके पास किया, उसने प्रोसेस भी लगाया और जब बोला रजिस्ट्रेशन करें आपको 20,000 सेंड करना होगा। तो मैंने बोला कि 20,000 सेंड करना ये क्यों, तो जो रजिस्ट्रेशन होता है ना इसका चार्ज करना पड़ता है। उसने बोला कि हम, मैंने बोला कितना देना होगा। तो उसने बोला कि 18,999 रुपये देना पड़े, 18,979 रुपये बताया था। ठीक है, तो मैंने बोला कि तो मान लीजिए 19,000 हुआ तो 1,000, तो सर हम इतना मेहनत करेंगे तो मेरे लिए 1,000 लगेगा नहीं, आप खुशी खुशी नहीं दे सकते हैं। मैंने बोला कि चल भाई 1,000 तू भी कमा, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी उसे हम टोटल मतलब 20,000 अमाउंट इसके अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद कर दिए। तो फिर उसने बोला कि सर ये तो हो गया आपका प्रोसेस, अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा 25 लाख का। मैंने बोला 25 लाख और फिर मुझे टैक्स भरना पड़ता है, उस टाइम आप क्या करवाएं। तो उस टाइम आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया कि हाँ, इस इंसान को, इस आदमी को मैं 25 लाख लॉटरी दे रहा हूँ, ये कहीं मेरे साथ फिर कोई गलत काम ना करे। तो मैंने बोला ये तो सही है, तो अब क्या करना था। अब बोला कि वो टैक्स के लिए, मान लीजिए सरकार आपको जब पैसा देगी तो उसका टैक्स भरना पड़ेगा ना आपको, 25 लाख मोटा ज़्यादा रकम है। मैंने बोला हाँ ये तो बात सही है, टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स बताया था वो, तो उसके मतलब बोला कि अगर ये नहीं भेज रहे हैं टैक्स वाला फॉर्म, चाहे इसका पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो आप जो रजिस्ट्रेशन करा है वो भी पैसा डूब जाएगा और आपको ये 25 लाख का लॉटरी भी नहीं मिलेगा। मैंने बोला यार 20,000 तो भेज दिए, देखते हैं हम बोले। मैंने बोला चल 20,000 और भेजते हैं, 25 लाख तो आ जाएगी ना, दो रकम में, फर्स्ट रकम में जैसे 12 लाख ही आ जाता। मैंने ये चीज़ सोचकर उसके यहाँ 20,000 सेंड करने के लिए क्या क्या मुझे कर्म नहीं करना पड़े। मेरे पास एक छोटा सा बाइक था, छोटा इस TVS का था, उसको मैंने बेचा। और उसके बाद एक मेरे पास खसी था, उसको भी मैंने बेचा।
बेचने के बाद ये दोनों बेचकर तब उसके यहाँ मैंने 20,000 रुपये सेंड किया, सेंड कर दिए। उसके बाद दोस्तों मैं उसके पास कॉल किया तो उसने बोला कि ठीक है सर, अब पैसा आपका आ चुका है, अब आपका प्रोसेस में लगा दे रहे हैं, टैक्स वाला जो है जो जितना टैक्स काट रहा है वो टैक्स काट कर, सरकार टैक्स काट कर, और आपके पास जितना पैसा भेजेगा वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर, कितना देर में आ जाएगा? तो उसने बोला जस्ट अब आपके आधा घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर, हम आधा घंटा वेट कर रहे हैं। आधा घंटा क्या, मतलब कोई काम पीछे एक घंटा लग गया। एक घंटा के बाद उसके यहाँ मैंने कॉल किया तो उसने बोला, उसने क्या बोला मैं ये नहीं बताऊँगा, बट यार उसके बाद जैसे मैंने फ़ोन किया, रिसीव तो किया, एक बार बंदा रिसीव किया, और करने के बाद क्या सर, जस्ट आपके अकाउंट में 5 मिनट भी नहीं लगा और आपके अकाउंट में सब टैक्स कट चुका है, बस 5 मिनट आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। जब ये बात बोला तब मेरे अंदर दिल में बहुत खुशी आया दोस्तों कि चल आज मेरे पास 25 लाख रुपया आएगा। सर आज हम अपने गाँव में सबसे ज़्यादा छोटा बच्चे हो उम्र में सबसे ज़्यादा रुपया आज हम रखेंगे। दोस्तों ये उमंग लगाकर, ये खुशी लगाकर मैंने उसके पास कॉल किया, उसने इतना दिलासा दिलाया मुझे, मैंने सोचा कि नहीं मैं सब फ्रॉडिंग नहीं कर रहा, सब सही काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने उसके 5 मिनट का, आधा घंटा के बाद मैंने उसका फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं रिसीव किया। उसके बाद बोला सर देखिए आपके अकाउंट में पैसा चला गया, जब अपने अकाउंट चेक कर रहे हैं तो नहीं है पैसा, जितना था उतना ही है। उसके बाद उसने मुझे अपने व्हाट्सएप से ब्लॉक किया और ऑडियो कॉल जो फ़ोन था वहाँ से भी ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद मुझे इतना दर्द हुआ, उसको इतना कॉल लगा, अगला इंसान मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरे किसी के नंबर से फ़ोन किया, अदर अदर व्यक्ति के नंबर से हम फ़ोन करते रह गए, कोई रिस्पांस नहीं मिला। फ़ोन जिसका भी जाता था नंबर काट के ब्लैक लिस्ट में, किसी का भी जाता काट के ब्लैक लिस्ट में डाल देता था। और उसके बाद 2 दिन के बाद जब मैंने ट्राई किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगा, मुझे लगा कि अगला इंसान सिम तोड़ कर और फेंक दिया है, और वो 40,000 रुपया डूब गया। दोस्तों अगर आपके व्हाट्सएप से अगर इस प्रकार का मैसेज आता है तो इस प्रकार के मैसेज से आप लोग दूर रहें। अगर इसको देखते हैं, देखकर सुनकर इग्नोर कर दीजिए, इसे एक्सेप्ट मत कीजिए, नहीं तो आप भी मेरे साथ जिस तरह हम जूझ रहे हैं इस तरीके से आप लोग ना जूझें, क्योंकि आज हम 40,000 के घाटे में चल रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा आप लोग ना करें, अगर ऐसा मैसेज आ रहा है तो इस मैसेज से आप लोग दूर रहें।